हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं आईआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। आज हम स्टूडियो में आईआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरा जा सकता है, उसका एडमिटेड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ आईआईएमसी 2020 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन उसके लिए अप्लाई कर सकता है, हर एक चीज़ जानेंगे आज हम स्टूडियो में फुल डिटेल में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबाना ना भूलिए, ताकि अगर जैसे ही आईआईएमसी के रिलेटेड कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट आता है या कोई भी न्यूज़ आती है उसके रिलेटेड, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं आईआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पर google.com ओपन कर देना है, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे सर्च करना है cet.co.in। जैसे ही वहाँ पे cet.co.in गूगल में सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला रिजल्ट आपको जो गूगल में दिखा देगा आपको सिंपली उसे ओपन कर देना है। फिलहाल मेरा जो नेट कनेक्शन है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से जो गूगल ओपन करने में टाइम ले रहा है। आपका नेट की स्पीड अगर फास्ट रहेगी तो आपका जो है रिजल्ट फास्ट आ जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है जो फर्स्ट रिजल्ट आपको दिखा दे रहा है गूगल में, आपको सिंपली उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर देना है। तो ये cet.co.in एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको आईआईएमसी के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आईआईएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके वेबसाइट के साथ ये वेबसाइट जो है रेगुलर बेसिस पे डेली बेसिस पे अपडेट भी होती रहती है। तो यहाँ पे आपको आईआईएमसी की फुल ओरिजिनल और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप आईआईएमसी के बारे में जान सकते हैं। आपको साइड में यहाँ पे जो सर्च बार दिखा था आपको सिंपली वहाँ पे जाके लिखना आईआईएमसी और यहाँ पे जो सर्च का बटन है उसे दबा देना, तो आपके सामने जो है आईआईएमसी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन आप चाहे वो आप देख सकते हैं। अब हम जानेंगे आईआईएमसी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू। लाइक सबसे पहले तो हमसे शॉर्ट फॉर्म में आईआईएमसी बुलाते हैं, पर उसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, आईआईएमसी, ये उसका जो है फुल फॉर्म है। और अगर आपको डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में, लाइक जर्नलिज्म इन हिंदी और इंग्लिश, या फिर रेडियो और या टीवी जर्नलिज्म, या एडवर्टाइजमेंट या पब्लिक रिलेशंस, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म इन ओडिया, उर्दू, मराठी, मलयालम, इन सब लैंग्वेज में, तो उसके लिए आपको जो है आईआईएमसी में अगर आपको एडमिशन चाहिए इन सब कोर्सेज के लिए, तो उसके लिए आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम देना हो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आपको आईआईएमसी में इन सब कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं आईआईएमसी का जो एंट्रेंस एग्जाम के हाईलाइट्स क्या क्या है। लाइक सबसे पहले उसका फुल फॉर्म ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। फिर एग्जाम टाइप जो है वो पीजी लेवल का एग्जाम है, लेवल ऑफ एग्जाम नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं इस एग्जाम में वो है मास कम्युनिकेशन के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है वो हर एक कोर्सेज आपको आईआईएमसी में ऑफर किए जाएंगे। जो इसकी कंडक्टिंग बॉडी है, जो ऑफिशियल अथॉरिटी है इसकी, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। रजिस्ट्रेशन जो होता है इसका, मीन इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म हम जो फिल करके सबमिट करते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। इनकी वेबसाइट पे जाके आप जब इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होगा तब आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं, और ऑफलाइन फॉर्म भी आप डायरेक्टली जो एड्रेस दिया जाएगा वहाँ से खरीद के आप सबमिट कर सकते हैं। एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन मोड में होगा, मीन्स ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि आपको एक एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया जाएगा, वहाँ पर जाके आपको पेन पेपर बेस्ड जो है इसका एग्ज़ाम देना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम ड्यूरेशन की। जो जो इसका एग्जाम ड्यूरेशन है, मीन्स आपको टोटल एग्जाम कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे, 3 घंटे में आपको जो है इसका एग्जाम पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है iimc.nic.in, और लास्टली आपको जो है हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया और ईमेल एड्रेस दे दिया गया है। सो गाइस, अगर आपको आईआईएमसी के रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो रही है रजिस्ट्रेशन में या फी पेमेंट में, तो डायरेक्टली जो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ईमेल एड्रेस के थ्रू, या तो फिर आप डायरेक्ट फ़ोन नंबर के थ्रू भी उन्हें कॉल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं उनके थ्रू। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आईआईएमसी क्विक लिंक्स की। सो गाइस, ये जो क्विक लिंक का सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, लाइक अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में या फिर एग्जाम पैटर्न के बारे में और डिटेल में जानना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसके सामने जो क्लिक किया लिखा हुआ होगा आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आप एक न्यू पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पर आपको आईआईएमसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल में मिल जाएगी। तो इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी लिंक पर क्लिक करके आपको जो टॉपिक के बारे में जानना है वहाँ पर जाके उसे चेक कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम डेट्स के, और तो इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, और जो इसका एग्ज़ाम है वो मिड ऑफ सितंबर में कंडक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाते हैं, पर कैसे एप्लीकेशन फॉर्म शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है।
क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते जाएँ कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी अगर फेक डिटेल्स आप भरते हो एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डायरेक्टली जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में, वो ये होता है कि फाइनल स्टेप में उनको जो है उनका फोटोग्राफ, उनका सिग्नेचर, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे स्कैन करके अपलोड करना होता है। तो उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह से उसे स्कैन करना है, किस तरह से अपलोड करना है, कितनी साइज में स्कैन करना है, उसी के साथ साथ जो फॉर्मेट है किस तरह का रहना चाहिए। तो इस वजह से वो कोई भी फॉर्मेट किसी भी साइज़ में अपलोड करते हैं और उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। और इसी वजह से जो है उनको एग्ज़ाम भी नहीं, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाते IIMC के। तो इसलिए गाइस आप लोगों के साथ भी ऐसा होना है, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा के रखना है, क्योंकि हम अभी बहुत ही जल्द IIMC के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर फुल डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे, साथ ही साथ किस तरह से आप जो है डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, कितनी साइज़ में आपको सेव करना है, कौन से फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, हर एक चीज़ फुल डिटेल उस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगी। इसलिए मेक श्योर कीजिएगा आपने जो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा हो, ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब एप्लीकेशन फॉर्म भी दो तरह से भरे जाते हैं, ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी। तो उस वीडियो में आपको दोनों के बारे में ही डिटेल में बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो मोड में आपको भरना है आप वो मोड में उस वीडियो के माध्यम से आप जान लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आगे बता भी दिया कि अगर आप ऑफलाइन मोड में भर रहे हैं तो आपको इस एड्रेस पे जाके जो है एप्लीकेशन फ़ीस भी डिमांड ड्राफ्ट करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट के तो आपको एप्लीकेशन फ़ी भर सकते हो और एप्लीकेशन भी आपको यहीं पे सबमिट करना होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम एप्लीकेशन फ़ीस की। और तो अगर गाइस अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कास्ट के कैंडिडेट स्टूडेंट है, तो आपकी जो फ़ी रहेगी वो 1500 रुपीज़ रहेगी। और अगर आप रिजर्व कास्ट के जो स्टूडेंट है तो आपकी जो फ़ीस रहेगी वो 1000 रुपीज़ रहेगी। आप एप्लीकेशन फ़ी जो है ऑफलाइन भी भर सकते हैं, मैंने ऊपर बताया था, और ऑनलाइन भी भर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं हम IIMC के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। और सो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम में। और उसी तरह से अगर आप IIMC का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप IIMC का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आपका जो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ये इसके ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू वो सेट किया हुआ रहता है। तो अगर आप इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे तो ही आप जो है इसके एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते, वरना आप इसके एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो इन सब की इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी ये जो चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आप जो इंडियन रहनी चाहिए, भारतीय नागरिक रहना चाहिए। फिर उसके साथ एज लिमिट यहाँ पे बता दी गई है कि फर्स्ट अगर 1995 के अगर बात के आप रहेंगे तो उसके लिए एलिजिबल। मीन्स और भी बहुत सारे एज रिलेक्सेशन है, क्वालिफिकेशन है, सब अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन के लिए अलग, फिर एज लिमिट के लिए अलग, हर चीज़ के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दी गई है। तो इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप डायरेक्टली अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरह से चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें एग्जाम पैटर्न की। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप IIMC में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे ग्रेड स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना ज़रूरी है। और प्रिपरेशन अच्छी तरह से करने के लिए आपको एग्ज़ाम पेपर, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बाद आप जो अपना प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज बना पाऊंगे और प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाऊंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बाद में बारे में बता देता हूँ कि इसका एग्ज़ाम जो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा, टोटल आपको 2 घंटे दिए जाएंगे इसका पेपर कंप्लीट करने को। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मीन्स एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन के टोटल आपको जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा आपको उस पर सिंपली टिक करना होगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके जो मार्क्स रहेंगे, अगर समझिए आपने एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो आपको जो है 1 मार्क्स मिलेंगे, और गलत आंसर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपके जो मार्क्स माइनस नहीं होंगे। नेक्स्ट सिलेबस के भी यहाँ पे टॉपिक्स दे दिए गए, जो जो मेन मेन टॉपिक्स है जिसमें से ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए हैं। सिलेबस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जो है फुल डिटेल एक एक टॉपिक के साथ डिटेल सिलेबस आप जो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर। सो गाइस एडमिट कार्ड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है IIMC के एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो आप जो IIMC का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको एग्ज़ाम सेंटर से ही वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए आपको जो है एडमिट कार्ड को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के डाउनलोड करना है, उसी के साथ उसके 3 से 4 प्रिंट और निकाल के अपने पास संभाल के रखना है। और एक जो प्रॉब्लम एडमिट कार्ड के रिलेटेड होती है स्टूडेंट्स को, वो ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कब एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ है और कब एडमिट कार्ड की डाउनलोडिंग खत्म हो जाती है। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही एडमिट कार्ड निकले तो हम डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से आपको अगले ही पल नोटिफाई कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको IIMC के बारे में बताने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। और अगर आपको कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।